हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, बहुत सारे आप लोगों के डाउट हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जारी हो चुका है, सभी ने देख भी लिया होगा। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, उसे कैसे कन्फर्म है कि मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। जो लिस्ट में नाम चेक किया उसको अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। फाइनल कैसे चेक करें कि मेरा नाम है या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी, ठीक है। बाकी लोग, बहुत सारे लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जिसका नंबर नहीं आया उसमें क्या लिखा आ रहा है, कैसे पता करेंगे कि मेरा नंबर वाकई में नहीं आया या फिर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा। सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी, किसकी आएगी, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल निराश मत हो, बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्त। थोड़ा सा दुख तो होता ही है, थोड़ा सा दुख तो बहुत, क्योंकि पूरी जिंदगी दांव पे लगी होती है एक सिलेक्शन के लिए। मेहनत की हम लोगों ने, इतनी सालों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट परिणाम नहीं आता है तो बड़ा दुख होता है। सच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जिस दिन मेरा 49,000 और 41,000 दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ था दोस्त, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं थी, पढ़ाई मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो बनी थी। जितना पेपर कभी भी देखे आओ, उम्मीद हमेशा बनी रहती है, ठीक है। लेकिन मैंने कसम खा ली थी, वैकेंसी से मतलब नहीं है, 49,000 थी या 41,000, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उसके बाद जेल बार्डर 5,000 आई, 5,000 में मैंने सिलेक्शन लिया, क्योंकि मेरी जिद थी और मेरी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। तो वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 400 वैकेंसी, एक वैकेंसी में भी आप फाइट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए होती है और आपको लगता है कि हमें बस इतना नंबर लाना है, होगा देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता है ना, यहाँ पे स्कोर अच्छा होता तो आप निकल जाते, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं है इसकी वजह से बाहर हो गए। तो निराश मत हो, कुछ तैयारी में कमी रह गई होगी ये सोचो, ठीक है, और किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा। मैं सच बताता हूँ, जब भी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा था तभी ये मूड आते हैं। मुझे भी बहुत दुख हुआ था, बहुत निराश, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, रोना आया, आता है सभी को यार, जब इतना मेहनत करने के बाद उम्मीद लगी रहती है, उम्मीद यार चलो एक दो घंटे, एक दो महीने तक, इतने कब, एक साल दो साल से हम लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं कि यहाँ रिजल्ट आएगा, पेपर हुआ, अच्छा हुआ, यार तुरंत चीजें हो जाए तो दुख एकदम से चला जाए। इतने दिन इंतजार करने के बाद जो दुख होता है ना, बहुत बुरा होता है दोस्त। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ इस वक्त क्या बीत रही होगी, कि इतनी उम्मीद, और जो बेचारा भाई एक दो नंबर से ही रह गया है, जो मतलब उसके आसपास था उसका हुआ होगा, चलो मान लो जिसके 10-20-50 नंबर कम है तो उसे कम दुख हुआ होगा, और जिसके एक दो नंबर या 10 नंबर या फिर जिसके नंबर थे उसका भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा, होता है दोस्त। मेरे साथ भी हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था उस वक्त कि यार ऐसे कैसे हुआ, पूरी उम्मीद, लेकिन नहीं, मैंने फिर से एक बार, दो चार दिन लगा मुझे, उसके बाद मैंने सोचा मेरे लिए अभी बहुत अच्छे चांस है, मैं हो सकता है इसमें नहीं तो उसमें, अगर तैयारी अच्छी है तो 100% कह सकता हूँ कहीं ना कहीं सिलेक्शन। मेरे साथ मेरे दोस्त दो लोग मेरे साथ ही पढ़ते थे, फाइनली उनका भी सिलेक्शन हो गया इस बार, लेकिन उन्होंने इंतजार किया और लगे रहे, तो आप भी लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा लाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी अभी आप लोगों के लिए बाकी है, ठीक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आप लोगों के डाउट, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन है कुछ इस तरह, ठीक है, सेकंड मैरिज लिस्ट कब आएगी, मेल फीमेल, ठीक है, लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, डीबीपीएसटी कब, डीबीपीएसटी तो उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, ये तो बात उनके लिए, जिनका नहीं हुआ ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेकंड मैरिज लिस्ट को लेकर, ठीक है, तो सेकंड मैरिज लिस्ट को क्या टॉपिक है हमारा, सबसे बड़ा हमारा डाउट है कि सेकंड मैरिज लिस्ट आएगी तो कब आएगी, ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड मैरिज लिस्ट का क्या चांस होता है, जब भी क्या होता है ना, कि जब भी हम जैसे कितने 1,74,300 कुछ, ठीक है, 1,74,300 कुछ लगभग बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 346 ऐसे कुछ है ना, इतने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, पास हुए हैं, ठीक है, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना। अब क्या होता है, इन लोगों की जो डीबीपीएसटी होगी, ठीक है, इन लोगों का डीबीपीएसटी होगा, डीबीपीएसटी में इसमें ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन डीबीपीएसटी देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम दिया है। हमारे दो बहुत सारे साथी भी ऐसे हैं, एग्जाम तो उन्होंने दे दिया लेकिन वो डीबीपीएसटी देने नहीं जाएंगे, अपनी तैयारी को जांचना चाहते थे या कुछ भी, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हैं जो डीबीपीएसटी देने जाएंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत से ऐसे, किसी का एसएससी जीडी में हो गया, किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं डीबीपीएसटी देने नहीं जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है, एसएससी जीडी वाले जो ट्रेनिंग पे पहुंच चुके हैं मुझे लग रहा, और जो अभी
प्रोसेस उनका चल रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से मैं तो यही कहना चाहूंगा जो जहां जाना चाहता है वहीं जाए। सॉरी ठीक है, अगर आपको एसएससी जीडी अच्छा लगता है, आपका सिलेक्शन हो गया कोई अच्छी पोस्ट पे, तो एसएससी जीडी में चला जाना यार, भविष्य उनका भी है, जो यूपी पुलिस का एग्जाम दिए हैं उनका भी नाम आ गया, तो उनके साथ ना खिलवाड़ करें, आपको जो अच्छा लगता है तो वहां चले जाना, अच्छी बात है, ठीक है। और जो जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है जिसका हो गया यार उसको एक सीट लेने के लिए उसने कितनी मेहनत की, ठीक है। एसएससी जीडी वाले अपनी जीडी में ही जाएं, बाकी बीच में डीबीपीएसटी में दखल ना दें जो अगर इस भर्ती में नहीं आना चाहते हैं, फालतू में डीबीपीएसटी देने जाएं और कटा बढ़ा दें, फाइनल में कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2.5 को ना पास हुए हैं, इसमें कुछ लोग डीबीपीएसटी नहीं देने जाएंगे और कुछ लोग डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे, कैसे होंगे, हाइट में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है और उन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, टैलेंट तो है लेकिन हाइट कम है, ठीक, ये चीज होगी प्रक्रिया। उसके बाद डीबीपीएसटी देने के बाद अब बुलाया जाएगा इन लोगों को फिजिकल के लिए, ठीक है, तो फिजिकल के लिए, ठीक। अब फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं क्योंकि बहुत से सिटी के बच्चे हैं वो रनिंग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, रनिंग नहीं लगा पाते हैं तो इसमें बाहर हो जाते हैं जब रनिंग नहीं लगा पाते, ठीक है, नहीं लगा पाते, ठीक। तो मान लो 2.5 गुना बच्चा लिया गया, कितने गुना, 2.5 गुना बच्चा लिया गया, मान लो 0.5 गुना निकाल दिया गया यहाँ पे डीबीपीएसटी में, ठीक है, एक गुना से ज्यादा अगर रनिंग में निकल गए, एक गुना से ज्यादा, तो बचा फिर एक गुना का मतलब ही क्या, 60,000, एक गुना का मतलब क्या, 60,244 ही मान लो, ठीक है, इतना ही तो बच्चा बचा है। अगर इससे कम बच्चा बचता है उसके बाद किसके लिए, फाइनल कट ऑफ के बाद के लिए, तो भाई 100% कितने परसेंट, 100% सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट, ठीक, कब आएगी, ये फिजिकल के बाद ही आएगी, सोचो फिजिकल के पहले आएगा, फिजिकल के पहले तो उन्हें 60,000 से ज्यादा मिल ही चुके हैं, ठीक है, तो उनमें से छटनी होगा, तो फिजिकल होने के बाद उन्हें लगता है कि 60,244 से कम लोग हमारी लिस्ट में हैं, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट 100% आती है, ठीक है। लेकिन 2.5 गुना बच्चा लिया गया है, इसमें से कितने लोग डीबीपीएसटी देने जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं कोई और सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, तो वो हो सकता है डीबीपीएसटी देने ना जाए और फिजिकल देने ना जाए, और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो समय ज्यादा दिया गया है, तो चांस लगभग मुझे लग रहा कुछ परसेंट होगा जरूर, ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ रनिंग में 60,244 से कम ही बच्चे मिले, तो 100% सेकेंड लिस्ट आएगी, ठीक है, तभी आएगी। और रही बात तो मेल का, तो कंफर्म हो गया, फीमेल का मुझे लग रहा है लगभग सही बताएं तो इनमें सबसे ज्यादा चांस रहते हैं फीमेल की सेकेंड मैरिज लिस्ट में, सेकेंड मैरिज लिस्ट फीमेल के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, किसके रहते हैं, फीमेल के, ठीक है, तो फीमेल के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं फीमेल के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है, ज्यादा चांस, ठीक है, इसलिए ज्यादा चांस रहते हैं क्योंकि ये लोग रनिंग नहीं निकाल पाते हैं, और कुछ लोग इसमें से लड़कियां या फिर कोई भी, अब बोलकर ना अंडर हाइट हो जाती है, क्या अंडर हाइट हो जाती है, मतलब इनकी हाइट भी कम होती है, कुछ लड़कियां ऐसी हैं टैलेंट तो है लेकिन हाइट कम है, ठीक है, हाइट इनके लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, हाइट भी ज्यादा नहीं चाहिए यूपी पुलिस में, ठीक है, 152 सेंटीमीटर इन लोगों को, ठीक, ये कंफर्म होगा, तो इनका चांस ज्यादा लगता है कि फीमेल की सेकंड मेरिट लिस्ट का, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट का फीमेल का ज्यादा चांस लगता है, ठीक है, सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट का चांस लगता है फीमेल का, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर भर्तियों में हुआ है कि फीमेल की सेकंड लिस्ट लगाई गई है, ठीक है, तो ये है चांस आप लोगों का सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, ये जब, क्योंकि अभी तो 1,74,000 बच्चे ले लिए गए हैं, तो कोई अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोगों का डाउट है कि सर ये जो क्या नाम इस तरीके से लिख के आता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप फेल हैं, आपने रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया, तो किस तरीके से लिख के आता है कि आप फेल हैं या पास हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया भी है और बताया भी है, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जिसका जो पास होता है उसके में कैसे लिख के आता है, जो फेल होता है उसके में कैसे लिख के आता है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मुझे लग रहा है मिनिमम 5 से 10 नंबर तो 100% हुआ ही है, ठीक है, मिनिमम 5 से 10 नंबर तो हुआ ही है, ठीक, कितना, 5 से 10 मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी बहुत लोगों का हुआ है, उससे ज्यादा भी बहुत लोगों का हुआ है, 10 से 15 भी नंबर बड़े हैं लोगों के, ठीक है, ये बिल्कुल लाइफ प्रूफ है, मैं आप लोगों को
ठीक है, और नंबर नंबर दिखाई नहीं, नंबर शो नहीं किए जाते यार। यूपी पुलिस का यही एक लफड़ा रहता है कि इसमें नंबर नहीं शो किए जाते। तो हमारे विवेक सर हैं तो वो अपना एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें भाग लीजिएगा, हो सकता है एक बार फिर से सफलता मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए, जिसका नंबर आता है उसके में इस तरीके से लिख के आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर DBPST। जिसका नंबर आता है उसके में कुछ इस तरीके से लिख के आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मेरे दोस्त का है जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आता है जिसका सिलेक्शन हो गया है DBPST के लिए, मतलब आगे के लिए। ठीक है, और जिसका नहीं हुआ उसका इस तरीके से कुछ लिख के आता है, ये भी हमारा दोस्त है नवनीत वर्मा, इनका भी आ गया। ठीक है, और जिसका नहीं होता उसका देखिए किस तरीके से लिख के आता है। ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसका कुछ इस तरीके से लिख के आता है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर DBPST। ठीक है, जिसका नहीं होता है, ये कोई है जिनका ये मैंने देखा था। ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनका कुछ इस तरीके से लिख के आता है। ठीक है, तो रिजल्ट आप लोग चेक कर चुके होंगे, सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। जिसने नहीं किया वो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उसका भी चेक कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी इस पे चले जाइए, इसमें मैसेज कर दीजिए। सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये चीजें मैसेज करो, तभी आपका रिजल्ट चेक हो पाएगा, हुआ कि नहीं। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का चांस जब भी होगा, जब आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद बच्चे छटनी हो जाएंगे, तब जाके पता लगेगा। ठीक है, तो चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करा दी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर का हुआ है, और DBPST आप लोगों का कब है क्या, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, DBPST फिजिकल, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है चाहिए हैं, ठीक है, वो आपको तैयार करने होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ, बने रहिए। आप अगर नहीं चेक कर पाए तो इंस्टाग्राम आईडी है ये मेरी, sumit_kumar_UP_police। ठीक है, इस पर जाके क्लिक कर क्या नाम सर्च करिए और मुझे फॉलो करिए, उसके बाद मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल निराश मत हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी लेके आ रहा हूँ, यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी कब तक आ रही है, क्या है अपडेट, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊंगा, और बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, निराश मत होइए दोस्त, निराशा सबके हाथ लगती है, लेकिन जिसके हाथ निराशा लगी उसी ने मुकाम पाया है। ठीक है।